हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मुद्दा जो है बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे है भैया। सुदरलैंड ओजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम, और बड़ा नाम होता तो यार भाई ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाता। अब इसको अपन जानने वाले हैं, समझने वाले, काफी आसान करके भैया मैं आपको ये जो फंडा है ये बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ विजुअलाइजेशन, प्योर विजुअलाइजेशन की मदद से। ठीक है, देखो यार यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ये जो सुदरलैंड होजमैन है इनकी मदद से अपन यहां पे पॉलीगॉन क्लिपिंग परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने क्या किया था, पॉइंट क्लिपिंग देखा था, लाइन क्लिपिंग का एक एल्गोरिथम देखा था। अब यहां पे अपन पॉलीगॉन को क्लिप करने वाला है। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स, बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स को आप एक तरीके से जोड़ते हो, उसका एक सर्किट बनाते हो, क्लोज्ड लूप बनाते हो और वो आपका पॉलीगॉन बन जाता है। सही बात है, जैसे कि यार ये देखो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन, तीन लाइन सेगमेंट्स हैं उनको जोड़ा और उनका भैया क्लोज्ड सर्किट इस तरीके से बना दिया, आपका पॉलीगॉन तैयार है। सबसे सिंपलेस्ट अभी यहां पे आपके सामने मैंने दिखाया। बट अगर मुझे इसे क्लिप करना होगा तो, यानी कि अगर ये मेरा विंडो है, यानी कि अगर ये मेरा क्लिपिंग विंडो है, अगर ये मेरा क्लिपिंग विंडो है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें जो है मुझे चीजें डिस्प्ले करवानी है, तो भाई साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्शन है मेरे पॉलीगॉन का विच इज आउटसाइड दिस रिस्पेक्टिव क्लिपिंग विंडो, ये मुझे क्लिप करना पड़ेगा। ये मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिप करना पड़ेगा। और फाइनली ये जो मेरा बच जाएगा विच इज इनसाइड दैट रिस्पेक्टिव विंडो, वो मेरा विजिबल होगा, वो मेरा सिलेक्टेड होगा, वो मेरा दिखने वाला है। और बाकी सारी चीजें जो है उसकी इर्द गिर्द की जो आउटसाइड थी वो यहां पे एक तरीके से नहीं रहेंगी, क्लिप हो जाएंगी। यही चीज हमें करनी है और ये एल्गोरिथम हमें ये करने में मदद करता है। बेसिकली इसके स्टेप्स क्या है वो अपन देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है यार कि अपनी जो ये एक तरीके से विंडो है इसकी चार साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। एक तो चार साइड्स में अपना लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, टॉप आ गया, बॉटम आ गया, बराबर है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल पॉलीगॉन का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, एक प्लस बना दिया मैंने कुछ इस तरीके से। अब है तो ये पॉलीगॉन ही, ओके अब ये है तो पॉलीगॉन, लेकिन पॉलीगॉन क्लिपिंग जैसे मैंने अभी एक सिंपल नमूना आपको दिया था, ये अपने को चाहिए अचीव करना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये पोर्शन जो मेरे विंडो के बाहर है ये कट जाने चाहिए और अंदर का रह जाना चाहिए, ओके। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ओरिजिनल फॉर्म है मेरा, ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब इसको भैया मुझे फाइनली क्लिप्ड वर्जन कैसा दिखने वाला है ये आपने दिमाग में थोड़ा विजुअलाइज कर ही लिया होगा, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना पता है, क्या यू हैव टू क्लिप By every boundary, per boundary, जैसा आपका ये विंडो है इसकी चार बाउंड्रीज है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो मैंने आपको शुरुआत में गिनाए, तो आपको हर बाउंड्री वाइज आगे जाते जाना है, आगे जाते जाना है और पार्ट जो है वो क्लिप करते जाना है। जो भी आपके पॉलीगॉन का बाहर होगा वो क्लिप कर दो, जो अंदर होगा उसको वहीं पे रखो, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल यार यहां पर मैं शुरुआत करता हूं यहां पर लेफ्ट, ओके सबसे पहले लेफ्ट से अपन शुरुआत करते हैं। तो होगा क्या यहां पे, सिंपल सा मुद्दा, ये वाला जो पार्ट है दिस वन विल नॉट बी देयर, सिंपल एज दैट, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये क्लिप हो गया बिकॉज यहां पे मैंने लेफ्ट बाउंड्री क्लिपिंग किया। क्या किया, लेफ्ट बाउंड्री को कंसिडर करते हुए क्लिपिंग किया, मतलब यहां पे जो लेफ्ट बाउंड्री है इसके इस साइड वाला पोर्शन आउटसाइड हो जाता है और इस साइड वाला पोर्शन इनसाइड हो जाता है, ओके। तो भैया अपने को क्या करना है, आउटसाइड वाला निकाल देना, इनसाइड वाला सारा रखना है, ठीक है। तो इनसाइड वाले में ये वाला पार्ट भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, क्यों, बिकॉज ये लेफ्ट के अंदर था और जो लेफ्ट के बाहर था उसको निकाल दिया, ठीक है। अगला जो होता है वो क्या होता है, राइट, लेफ्ट के बाद अपन जाते हैं राइट बाउंड्री पे। अब राइट बाउंड्री पे देखो ये वाला है, अब ये वाला जो है ये इनपुट दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप को, मतलब शुरुआत में इनिशियल हमारा जो ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल फॉर्म था जो मैंने आपको दिखाया था कि चारों प्लस की दंडियां बाहर निकली हुई थी, वो हमारा ओरिजिनल इनपुट था जो हमने पहले स्टेप लेफ्ट क्लिपिंग को दिया, लेफ्ट बाउंड्री क्लिपिंग को दिया। उसके बाद भैया अपन ये जो मेरा लेफ्ट क्लिप करने के बाद जनरेट हुआ है ये जो आउटपुट है, दिस विल बी सर्विंग एज ए इनपुट फॉर माय नेक्स्ट स्टेप, जहां पे मैं राइट बाउंड्री को कंसीडर करने वाला हूं फॉर क्लिपिंग माय पॉलीगॉन, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, फाइनली क्या होने वाला, लेट्स सी यहां पे मामला क्या होने वाला है। ये टॉप वाला तो मामला वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, इसको अपन इसको ऐसा का ऐसा रखते हैं। यहां पे बदलाव होने वाले, आप समझ पा रहे हो, यहां पे बदलाव होने वाला है, मतलब जो राइट वाला, ये जो मेरा राइट बाउंड्री है इसके इस साइड में जो भी होगा वो इनसाइड, इसके उस साइड में होगा जो वो भी आपका आउटसाइड होगा, बराबर है। अब आउटसाइड में तो ये वाला फंडा आ रहा था, आउटसाइड में ये वाला फंडा आ रहा था, इसको अपन ने निकाल दिया, बचा हुआ आपका क्या हो गया, रह गया, ओके। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, अभी आपका राइट क्लिपिंग, राइट बाउंड्री क्लिपिंग सक्सेसफुल हो गया और ये फाइनली आपको आउटपुट दिखेगा। उसके बाद अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं,
ये जो है इसको इनपुट देते हैं अगले स्टेप के, यानी कि टॉप को। अब यहां पे टॉप आएगा, ठीक है। अब टॉप में भी मैं वही सेम चीज करता हूं, ठीक है, लेट से कुछ इस तरीके से। ये आपका फाइनल आउटपुट रहने वाला है। आप समझ पा रहे हो ये मैं क्या कर रहा हूं? सिंपल फंडा है, ज्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ, ये वाला फंडा जो है ऊपर अपनी गर्दन निकाल रहा था, मुझे नहीं चाहिए ना भाई, तो मैंने निकाल दी। ओके, वो पार्ट वहां से मैंने क्लिप कर दिया। आई डोंट वॉन्ट दिस पार्ट। क्यों? बिकॉज यहां पे मैं विद रिस्पेक्ट टू टॉप बाउंड्री क्लिपिंग करने वाला हूं, तो मैंने टॉप बाउंड्री कंसिडर की। इसके नीचे जो भी होगा, मतलब ये अंदर वाला पोर्शन होगा, और इसके ऊपर यानी कि वो बाहर वाला आउटसाइड वाला पोर्शन मैंने क्लिप कर दिया, वो वाला हटा दिया, और फाइनली आउटपुट मेरा जनरेट हो गया। एंड लास्ट में हम लोग बॉटम पे जाते हैं। जो लास्ट है वो बॉटम है, जहां पे क्या होने वाला है, एक तरीके से ये मेरा इनपुट जाने वाला है और ये मेरा फाइनल आउटपुट तैयार है, इस तरीके से। समझ में आ गई बात? ओके, अब यहां पे क्या हुआ, बॉटम वाले को अपन ने कंसिडर किया, बॉटम बाउंड्री। इसके ऊपर यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ओके, ये आपका क्या होने वाला है, इनसाइड, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये आउटसाइड होने वाला है। मतलब एक सिंपल सा फैक्ट मैं आपको बताता हूं, आउटसाइड इनसाइड अगर आपको कंसिडर करना है ना, जिस साइड में बाउंड्री कोई भी होने दो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी होने दो, जिस साइड में आपका विंडो लाई करता है ना वो इनसाइड है, और जिस साइड में विंडो लाई नहीं करता वो आउटसाइड है। देख लो, आप करके देख लो। यहां पे अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूं, ये लेफ्ट की, अगर ये मेरे लेफ्ट बाउंड्री है, तो इस साइड में जो विंडो एग्जिस्ट करता है तो मेरा ये इनसाइड हो गया और ये आउटसाइड हो गया। राइट वाला देख लो, यहां पे ये मेरा इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। टॉप वाला देख लो, ये आउटसाइड हो गया, इनसाइड हो गया। बॉटम वाला देख लो, ये इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया। और जो आउटसाइड है वो अपने को निकाल देना है, एक तरीके से वो अपने को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अब यहां पे ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है, मतलब क्लिप करने के बाद जो यहां पे बच रहे हैं, देख सकते हो आप, ये आपके होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? इंटरसेक्शन। किसके साथ इंटरसेक्शन भैया? पॉलीगन। जब आपका ये जो बाउंड्री है, ओके, इसके बाहर निकल रहा था, लेकिन क्लिप करने के बाद ये पॉइंट्स आपके बच गए हैं, दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आपके बाउंड्री के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किसके साथ? राइट हो सकता है, सो ये पॉइंट्स आपके बॉटम वाली बाउंड्री के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट वाली के साथ, राइट वाली के साथ, एंड टॉप वाली के साथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहां पे एक मामला आपको समझना है कि हर एक रिस्पेक्टिव स्टेप में, मतलब चाहे वो पहला स्टेप लेफ्ट हो, दूसरा स्टेप राइट हो, तीसरा स्टेप टॉप हो, एंड चौथा स्टेप बॉटम हो, हर एक स्टेप में आपको कुछ नियमों का पालन करना है। अब ये कौन से नियम है भैया? नियम मतलब रूल्स यार, बराबर है, रूल मतलब रूल, तो उसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पे चार नियम निकल के आते हैं। कितने? चार नियम निकल के आते हैं जिनको अपने को फॉलो करना है। तो यहां पे सबसे पहला वाला जो नियम है वो क्या कहता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एक विजुअलाइजेशन के जरिए, प्योर विजुअलाइजेशन के जरिए मैं आपको बताता हूं। ये भैया अपन अपनी क्लिपिंग विंडो कंसिडर कर लेते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक है।